चुनावों के दौरान नेता कई बड़े बड़े दावे करते हैं, अपनी जीत के लिए जनता को प्रलोभन देते हैं ताकि वोटरों को अपने हक में कर सके। यही नहीं, नेता इस हद तक चले जाते हैं कि वो कस्में खाकर भी लोगों का भरोसा जीतने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया है जिसमें लोकसभा चुनावों के दौरान पठानकोट के विधानसभा हलका भुआ के कांग्रेसी विधायक ने अपनी मां की कसम खाते हुए वोटरों को ये भरोसा दिलाया कि अगर जाखड़ यहां हारते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये वीडियो चुनावों के दौरान जाखड़ के हारने के बाद खूब वायरल हो रहा है, जिस पर अब भाजपा की पूर्व विधायिका ने भी चुस्की ली है। जबकि विधायिका साहब अपने वर्करों द्वारा इस्तीफा ना देने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए पूर्व विधायिका सीमा देवी ने कहा कि विधायक जोगिंदर पाल ने मां की कसम खाई थी, अगर जाखड़ हारता है तो इस्तीफा दे दूंगा, अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पठानकोट से कंवल रंधावा की रिपोर्ट। ये टोटल ही सरपंच ने समिति मैंबर ने जिला परिषद के मेरे पंच ने, ये मेरी बड़ी भैन है, ये जिला परिषद है, ये कुड़ी पंच है, वो नाल वाले समिति मैंबर है, वो परले कुड़े घरोटे तो थोड़े जे वोटों तो रह गए ही सरपंची तो यदा काम भी मैं चढ़ाया चढ़ी सभा मेरी ये सरपंची है। ये तकरीबन तुम आप दस देना भी कि सरपंच इतने आए हैं। मेरी थोड़े सारे अगर एको बेनती है बाजवा साहब को, मैं ही थोड़े वास्ते मंग लगा अपने हल्के वास्ते। बाजवा साहब गल ये है, लोग फूसा बड़ी मारते हैं, कोई कहता भुआ इन्ने डाउन जाना, कोई कहते इन्हें आप जाना, मैं नहीं पता। पर मैं इन्ना पता है जे मेरा जाखड़ हर गया तो मैं मेरी अपनी माँ की कसम है शाम को ना ही जोगिंदर पाल रस्ता है। मैं लैन वाले दिन सवेर को लैके शाम के 10-11 बजे तक मैं और मेरी वाइफ दिन रात भोए की सेवा करते हैं। तो जे तुम लोगों ने फिर भी सानू पसंद नहीं करना फिर मेरे कोई हक नहीं है ये सत्ता जरण लिए। मैं थोड़े वास्ते सरकार वालों तनखाह छापी सारिया सहूलत सरकार दिया साथी हैं, हर वेले मैं अपने को खर्चा करता। इलेक्शन आई है बाजवा साहब, बड़े बंदे मेरे को आते हैं, पार्टी बनने में कहता तुम पार्टी फंड तो देना है, फिर तुम्हें मेरे को गलत काम करना, मेरी जमीन अलाउड नहीं करना, इस करके मैं नहीं लेना ना। मैं अपने इलेक्शन से लिया कोई भी बंदा साबित कर दे वहां खड़ी करके कि किसी बंदे उत्ते मैं परचा कराया, किसी बंदे ने मैं परेशान किया। तुम जिन्हें मैंने पैसे दिते 12 करोड़ से 14 लाख रुपया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके बुलाई है कि पिछले दौरान जड़िया चोणा हुई 2019 MP इलेक्शन होया और उदे विच एक मंच ते एक मुद्दा आया और वीडियो भी काफ़ी वायरल होया कि जिहड़े इत्थों दे जोगिंदरपाल MLA ने कांग्रेस के, उन्होंने एक मंच ते कहा कि अगर जाखड़ साहब इत्थों हार गए तो मैं इस भोए हल्के चो अपनी MLAship तो इस्तीफा देंगा। और अपनी माँ की सहुं चुके उन्होंने ये कसम खाधी है। तो मैं अज उन्होंने याद दिलाना चाहनी है कि जाखड़ साहब इतों बहुत बुरी मार्जन हारे ने, 29,423 वोटों उन्होंने हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी जितों जीत हुई है। क्या मैं पूछना चाहनी है कि उन्होंने माँ की सहु खाधी है, माँ तो इस हिंदू धर्म माँ का रिश्ता जोड़ा बहुत पवित्र मनिया जाता, उन्होंने भगवान का दर्जा दिता जाता है। तो जोगिंदर पाल जी मैं कहना चाहनी है कि तुम अपना इस्तीफा दो क्योंकि जाखड़ साहब इतों हार चुके हैं और अपनी जड़ी जवान की उन्होंने अपनी जवान से कायम रहना। वो बंदे जड़े है
मैं तो रिजाइन देने तैयार हो और मेरे वर्कर जो मरन तैयार हो पे है जो तुम रिजाइन दिता तो असं मरन तैयार हो केबल राय तुम भी उन्होंने वाइड की है जब तुम सारा देखा इस करके बिल्कुल भी जे जिथे भी कितने मैं अपने वर्कर को कहा भी मेरी गलती है उन्होंने मैं सुधारन की कोशिश कराँगा और मैं बहुत बड़ा ये धक्का बहुत बड़ा मैं दुख लगा कि जाकड़ साहब एक बड़ी बड़ी एक पर्सनैलिटी है साढ़े पंजाब की खास करके सूँ एक बड़ा हीरा मिले साढ़े पार्लीमेंट हल्के गुरदासपुर वास्ते ये हारना नहीं चाहिए पर लोगों की सोच है लेकिन मेरे वर्कर की सोच तो ठीक सी मैं जिन्हें जोशी उन्होंने मेरे बिल्कुल भी गल किया जो तुम रिजाइन देने की गल की असं इतने आत्महत्या कर लेनी है इस करके मैं ये सारा डिले करके प्लस आप वर्कर के नाल हर महीने मीटिंग करेंगे अपनी जून वाइज जी कमेटियां बनावे और एक गल मैं जरूर कहना चाहना जनता ने गलती तो बहुत बड़ी कर ली है सनी देओल ने जिता के देखो विकानगर तो सनी देओल का प्यो धर्मेंद्र जित के गया और उतों के लोग साढ़े इतने मीटिंगा करके गए भी इन्हें बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया ना ही मुड़ के आए हैं और मथुरा तो हेमा मालिनी दोबारा जीती है पता नहीं लोगों की सोच है और लोगों ने कुछ दिन के बाद पछताना है इतने बिल्कुल किसी ने नहीं आना सवाए जाखड़ तो किसी ने नहीं आना असी जाखड़ साहब की फिर तरला मिनत करांगे असी फिर सीएम साहब का तरला मिनत करांगे साडू गलती हो गई है माफ़ी दे दिओ और साढ़े हल्के का तुसी विकास करना है और खास तौर करके साडा जिहड़ा जिला पार्लीमेंट हल्का गुरदासपुर पठानकोट है जे आप गलती कर भी ली है तो मैं सारे जनता वालों मैं आप खुद माफ़ी मंगदा तो मैं फिर थोड़ी केवल ये गल कह लेना चाहना कि जिते भी मेरे वर्कर तगड़े ने बिल्कुल कोई गल नहीं मजूस होने की कोई गल नहीं जो गलती हो गई है मैं मुंडे ना मुंडा ला के तुहाडे नाल जिते मेरी कोई गलती मैं अपनी गलती फिर सुधारा।